डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसे पिछले 2 दिनों से बताया गया था, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में प्रति चक्रवाती हवाएं सक्रिय थी और उसी की वजह से एक विंड डिसकंटिन्यूटी जो विदर्भ और छत्तीसगढ़ के और दक्षिण भारतीय पठारी क्षेत्रों में था, साथ में पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय था, राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन सभी सिस्टम्स की वजह से अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ जो नमी आ रही थी, उसी के चलते हुए आज भी अभी आप सैटेलाइट मैप में देख सकते हैं लगभग लगभग पूरे ही पूर्वी मध्य प्रदेश में इंटेंस क्लाउडिंग है। जबलपुर संभाग, लगे हुए भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के हिस्से और कुछ जिले सागर और शहडोल संभाग के हिस्से, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म, कहीं कहीं पे छोटे आकार के हेल और साथ में लाइटनिंग की जो गतिविधियां हैं ये भी चल रही हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में हल्की वर्षा और कहीं कहीं पे कम समय के लिए तेज हवाएं दर्ज की गई थी। आगामी अगर 4-5 दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं कुछ जिले जैसे बैतूल, पांडोना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया और डिंडोरी, यहाँ पे कई जगह पे हेल स्टॉर्म के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और साथ में बिजली गिरने का जो फ्रिक्वेंट लाइटनिंग की जो घटनाएं हैं उसके लिए वार्निंग जारी की गई है। इनसे लगे हुए दूसरे जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। डे टू की अगर हम बात करें तो सिस्टम लगभग प्रोमिनेंट रहेगा 48 घंटे तक, लेकिन फिर भी ये चूंकि पूर्व दिशा की तरफ मूव करेगा तो जो ऑरेंज अलर्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये फर्दर ईस्ट एमपी में कंसंट्रेट रहेंगे, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिडोरी में, जबकि लगभग प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी कल भी दर्ज की जा सकती है। डे थ्री की बात करें तो सिस्टम काफी प्रोमिनेंट होने के बाद 72 घंटे में कमजोर हो चुका होगा और उसी के चलते हुए केवल जो दक्षिण जिले हैं वहाँ पे ही हल्की बारिश और कहीं कहीं पे छोटे आकार के ओले गिर सकते हैं। हालांकि जो नया पश्चिमी विक्षोभ 10-11 अप्रैल से सक्रिय हो रहा है उसके कारण डे फोर से माने 72 घंटे बाद फिर से एक बार ये सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव होगा और जो वर्षा की गतिविधियां हैं उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। डे फाइव में भी ये वर्षा की जो मात्रा है वो उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हल्की वर्षा लगभग 6-7 दिन तक ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखी जा सकती है। और इस समय चूंकि अभी ये जो पीरियड है हार्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है, जहाँ पे लेबर्स या फिर फार्मर्स खुले में काम करते हैं, उनके लिए चूंकि लाइटनिंग का थ्रेट बना हुआ है तो जब कभी भी वज्रपात के लिए कोई चेतावनी जारी की जा रही है और या फिर वो आसमान में गरज चमक की आवाज सुनते हैं तो उस समय उनको तुरंत सुरक्षित स्थान पर और चले जाना चाहिए, पेड़ों या फिर पोल से दूर रहना चाहिए और साथ में जो जल निकाय है, वाटर बॉडीज है, उससे भी दूर उनको हट जाना चाहिए। धन्यवाद।